हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। गाइस, कंप्यूटर में क्लास सेवन्थ चैप्टर नंबर सिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप। और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आंसर में फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, ट्रू फॉल्स भी है, टिक द करेंट ऑप्शंस भी हैं और क्वेश्चन आंसर भी हैं। तो आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। अगर आपने क्लास सेवन्थ की प्लेलिस्ट में या सीरीज में कोई वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, तो आप वहां से पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और जो वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं। और एक छोटी सी हेल्प के लिए मैंने आपके लिए टेलीग्राम पर चैनल बना दिया है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें क्लास सेवन्थ के जो स्टूडेंट हैं जो भी प्रॉब्लम होती है उनको मेरे से पूछ सकते हैं वो, और मैं उनका जल्दी से जल्दी आंसर दूंगा और कोई भी क्वेरी होती है उसके सोल्यूशन करूंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसमें क्वेश्चन मिल जाता है विच इज द मोस्ट पॉपुलर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड क्रिएशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो अब तक हम पढ़ के आ रहे थे, हमने फोटोशॉप ही तो पढ़ा था, तो आंसर तो जाहिर सी बात है फोटोशॉप ही होने वाला है इसमें। नेक्स्ट है द टूल दैट लेट्स यू सिलेक्ट अ कलर फॉर सेटिंग द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। भाई फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर के लिए कौन सा टूल है हमारा? ग्रेडियंट टूल हो नहीं सकता, कलर पिकर है नहीं है। कलर पिकर हमें जहां तक कि थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन कलर पिकर नाम से कोई टूल नहीं होता, ये है आई ड्रॉपर। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज है, यहाँ आई ड्रॉपर होता तो आपको आंसर मिल जाता। Which of the following tool can be used for making selection around the edge of an image? तो rectangular marquee, move tool and magnetic lasso and drop। तो इसका आंसर क्या है? Magnetic lasso tool। यही क्या करता है? किसी इमेज पर अगर पास पास होकर ले जाओ तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन करता चला जाता है। The tool used to discard the portions of an image that are not required। कौन सा टूल है जो हमें इमेज नहीं चाहिए, मतलब जो एरिया नहीं चाहिए उनको डिस्कार्ड कर देता है? तो इसके लिए लेसो टूल है। लेसो टूल से क्या है, ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है, मतलब एक तरीके से इसको कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो सारे के सारे टूल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। द टूल यूज टू ड्रैग अ सिलेक्ट पार्ट ऑफ एन इमेज अ न्यू लोकेशन इन द इमेज। तो अब मतलब कोई भी अगर सिलेक्ट करते हैं और एक जगह से मूव, देखो मूव की बात आया है तो हमारा मूव टूल ही काम करने वाला है इसमें। ओके, तो यहाँ पे हम आप फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट करने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में मैं आपको बता दूँ कि जब तक आप हिंट को अच्छी तरह नहीं पढ़ लेंगे तब तक आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले आप हिंट पढ़ लीजिएगा, सिलेक्शन कट मैजिक वैंड एंड PhD और डॉक्यूमेंट। तो पहला है द टूल लेट्स यू सिलेक्ट द एरिया ऑफ एन इमेज विच शेयर अ सिमिलर कलर। तो इसके लिए जो हमें आंसर मिल जाता है वो मैजिक बैंड है। मैजिक बैंड ही करता है जो सिमिलर एरिया को सिलेक्ट कर लेता है। विंडो इज द एरिया दैट डिस्प्ले द इमेज फाइल दैट यू विल वर्क ऑन। तो सिंपल सा आंसर डॉक्यूमेंट होने वाला है इसका। द डिफॉल्ट फोटोशॉप फाइल फॉर्मेट इज, इसका आंसर .phd है, तो PhD होने वाला है। द टूल दैट अलाउ यू टू सिलेक्ट पोर्सन ऑफ सबसेट ऑफ एन इमेज टू वर्क ऑन इज, वो है सिलेक्शन। द क्रॉप इज टू अनवांटेड एरिया, तो इसका आंसर मिल जाएगा कट, क्योंकि यह कट ही बचता है, बाकी सब तो सेम, मतलब बाकी सब तो सही हो गए। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट क्रॉस द इनकरेक्ट वंस, मतलब सी एस आई ट्रू फॉल्स है। द एडोब ब्रिज बटन इज अ विजुअल फाइल ब्राउजर, हाँ जो एडोब ब्रिज बटन होता है जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इसको इंस्टॉल करने के लिए कम से कम 2 GB और मुझे चाहिए, तो जो विजुअल फाइल ब्राउजर है पर पढ़ा दिया था मैंने, तो इसका आंसर ट्रू है। एडोब फोटोशॉप कैन नॉट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम दैट यू फेस विद द इमेज। देखिए इमेज की जितनी प्रॉब्लम है उसको एडोब फोटोशॉप सॉल्व कर सकता है, तो इसका आंसर है हमारा कैन नॉट, मतलब गलत बात कह रहा है, गलत हो गया। द रेक्टेंगुलर मार्की टूल इज यूज टू मार्क अ फ्री सिलेक्शन एज यू गो, वही रेक्टेंगुलर मार्क फ्री नहीं है ये, तो इसका मतलब फॉल्स है ये, ठीक है। लेसो टूल अलाउ यू टू अवॉइड एरिया दैट यू वांट टू इंक्लूड, हाँ भाई मतलब ये लेसो टूल जो ऊपर वाला है वो नीचे वाला मीन टू से कि अब इसका आंसर ट्रू होने वाला। लेसो टूल आप जो भी एरिया अवॉइड करना चाहते हैं अवॉइड करके यूज कर सकते हैं इसको। द क्रिएट न्यू टू क्रिएट अ न्यू इमेज डॉक्यूमेंट क्लिक द फाइल एंड न्यू, ठीक है फाइल में जाके न्यू इमेज हमारी आ जाती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी फोर कंपोनेंट ऑफ एडोब फोटोशॉप विंडो। तो एडोब फोटोशॉप में जो कंपोनेंट होते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने बताए थे, नंबर 1 एप्लीकेशन बार, ये कहां यूज होती है। इट्स हाउसेस टूल टू शो गाइड ग्रिड्स एंड रूलर्स मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, जो एप्लीकेशन बार है वो हमारी किस में, मतलब एक गाइड्स देती है, ग्रिड्स देती है, रूलर्स देती है, मैग्निफिकेशन देती है।
एडोब ब्रिज बार क्या करती है, इट इज विजुअल फाइल्स, अभी ट्रू एंड फॉल्स में इसी के बारे में पढ़ रहे थे, ब्राउज दैट हेल्प टू टेक अ गेस वर्क आउट ऑफ फाइंडिंग द इमेज फाइल यू नीड। देन डॉक्यूमेंट विंडो, इट इज यूज टू डिस्प्ले द फाइल यू आर वर्किंग अपॉन। मैंने छोटे छोटे देखे कॉम्पोनेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने कम से कम जितना छोटा आंसर मिले वही मैंने किया यहाँ पे। डॉक्यूमेंट टैब, इट इज यूज टू डिस्प्ले द टैब शोइंग द नेम ऑफ द फाइल यू आर वर्किंग। तो ये टैब क्या करता है, जिस फाइल पर आप वर्क कर रहे हो उसका नाम शो करता है। नेक्स्ट है राइट द शॉर्ट नोट ऑन सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन तो सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है, सिंपल सी बात है। तो द सिलेक्शन टूल आर यूज टू सिलेक्ट अ पार्ट और पोर्शन ऑफ एन इमेज। तो या तो आप इमेज का पार्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा या कोई पोर्शन कर सकते हैं इससे। यू कैन यूज इट वेयर यू नीड टू कॉपी और मूव एन एरिया। इसको यूज आप कहाँ भी कर सकते हैं जहाँ कॉपी करना है, मूव करना है किसी एरिया को, सिलेक्शन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में। अब क्रॉप टूल का हमें यहाँ पे यूज बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो क्रॉप टूल क्रॉप करने के लिए करता है। क्रॉप टूल यूज टू कट शॉर्ट एन इमेज फ्रॉम द एज। व्हाट इज द मैजिक वन टूल यूज फॉर। देखिए जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ये यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर कुछ एडवांस दे दिया। डिस्कस द ऑप्शन अवेलेबल इन द ऑप्शन बार ऑन क्लिकिंग द मैजिक वन टूल। जो यहाँ से जो क्वेश्चन दिया है ये थोड़ा सा हटके दे दिया है, देखिए, क्योंकि ये आपके चैप्टर में इसका आंसर नहीं है और आपके चैप्टर में इसका कोई जिक्र भी नहीं किया, पर मैंने आंसर दे दिया है। तो मैजिक वन टूल, इट इज यूज टू सिलेक्ट एन एरिया बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कलर। एक जैसा कलर होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। एक छड़ी टाइप की होती है, स्टिक टाइप की होती है, तो आप एक बार वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। इसमें दो ऑप्शन आ जाते हैं, टॉलरेंस आ जाता है और कंटीजियस आ जाता है। तो दिस ऑप्शन टेल फोटोज ऑफ हाउ डिफरेंट इन टोन कलर। ये बताता है कि कलर कौन सा अलग है आप पिक्सल कैनी फ्रॉम द एरिया बी क्लिक ऑन फॉर इट टू बी इंक्लूड इन द सिलेक्शन। मान लीजिए किसी इमेज में सेम कलर है, मैंने उस पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद वो सेम कलर वाले को सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन मुझे और भी एरिया सिलेक्ट करना है तो मुझे टॉलरेंस का यूज करना पड़ेगा। कंटीजियस, दिस ऑप्शन फोर्स द मैजिक वन टूल टू सिलेक्ट द पिक्सल दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड टुगेदर। ये इस पर फोर्स करता है कि भाई जितने भी एक दूसरे से पिक्सल कनेक्ट हों वो सारे के सारे हमारे सिलेक्ट हो जाएं। ओके, अब नंबर क्वेश्चन नंबर फाइव, डिफरेंशिएट बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड एलिप्टिकल मार्की टूल। तो हमें डिफरेंस देना है रेक्टेंगुलर टूल, रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल टाइप से सिलेक्ट करने के लिए यूज देता है, ठीक है। देन दिस टूल इज यूज टू सिलेक्ट रेक्टेंगुलर स्क्वायर सॉरी एंड स्क्वायर एरिया ऑफ इमेज। एलिप्टिकल टूल ये गोला टाइप का सिलेक्ट करने के लिए देता है। तो दिस टूल यूज टू सिलेक्ट एलिप्टिकल और ओवल एरिया ऑफ एन इमेज। ओके, तो यही क्वेश्चन थे, पांच क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।